नमस्ते सत्सरकाल। पहला एक नई ब्लॉग के साथ इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में मैं हूँ दीपक। बागेश्वर की छोटा सा गांव है डोबा चौना, वहाँ यहाँ की खूबसूरती के साथ आपके साथ एक बार फिर से आपके सामने हूँ। चलो आज देखते हैं आज की दिनचर्या क्या होती है। और आज तो मैं गया हूँ ऐसे ग्वाला गया हूँ, बकरी मेरे बकार से मेरा तो वहाँ मिचो अपन बकर तो वहाँ मेरे तले चलनी मिचो अपन कुकरे देकर बैठती है शो में। और मौसम अगर तो मुझे जानकारी दी तो आज वापस फिर से धूप है और आसमान एकदम पूरा नीला है, एक भी बादल नहीं है और धुंध तो जैसे कि वैसे ही है। जब तक बारिश नहीं होगी वैसे तब तक ये धुंध रहेगी। और हाय बोल दे, एक बार हाय बोल दे। हाय हाय सभी को हाय बोल दे एक बार। ये शेर हुआ अपना एक, आज अकेला हूँ वहाँ, सब लोग गए हैं काफ़ा लेने के लिए। आज एक दूसरी ग्रुप गया है काफ़ा लेने के लिए, आज मैं अकेला हूँ ग्वाले में। तो अपना साथी है अभी शेरू और बकरियाँ नीचे चल रही हैं। और क्या कहे, घर आके यही सीन होता है, खाओ पियो बल्ले बकर चराओ। क्या करिए यार, आप घर घर पर करना पड़ने वाई के लिए नहीं करो जो फिर कहाँ मिलो खाने हैं। वह शेरू तू क्या पूछे कि कदे यार न गुने गए। चलो मैं यहाँ बैठा ही था, सामने तीमर का पेड़ देखा तो यार जल जल तिमरो बोर्ड देखो लोगों पत्तों ने तिमरो बोर्ड क्या काम होगा वे। ये तिमरो बोर्ड चू ये देखो भाई साहब, जो तुम लोग मतलब दांत में एक ये एक ऐसी जड़ी बूटी है पूर्वजों की द्वारा दी गई है कि ये जो पेड़ है तिमर का पेड़ है इसमें अगर आपका दांत में दर्द हो या दांत से खून निकल रहा हो तो इसके जो बीच है ना, देखो भाई शुद्ध देसी उपचार, जो तिमर के दाने दिख रहे ना, दिख रहे दाने, इनको सुखा के इसको अपने दांत इसका लकड़ी को छील के अपने दांत साफ कर सकते हो। जब अपने दांत इससे साफ करते हो तो दांत में एक अजीब सी झंझनाहट जैसी मतलब कंपन होती है, वाइब्रेशन जैसे होते हैं दांतों में। और ये मतलब तुम्हारे दांतों को कीड़ा लगने से और तुम्हारे दांतों को एकदम साफ रखता है, मुंह में बदबू नहीं आती है। ये मतलब इसके देख सकते हो तुम इतने कितने भयंकर कांटे होते हैं इसमें, कांटे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो अगर गलती से भी अगर आपको तोड़ना नहीं आता और अपने थोड़ा उल्टा पुल्टा किया तो आपके कांटे हाथों में चुभ सकते हैं। ये देखिए तीमर का पेड़, इसके जो बीज हैं भाई साहब एकदम मतलब ये है ना, एक पहाड़ी उपचार है। आप मान सकते हो कि मतलब भाई देख प्रकृति में क्या क्या मतलब हर चीज़ की दवा है यार। लोग पैसे दे के खरीदते हैं, हमारे वहाँ ऐसे पहाड़ में इसको कोई मतलब बहुत कम लोग होते इसके यूज करते हैं। आजकल तो कॉलगेट आ गया है, दांत में दर्द आ गया तो हॉस्पिटल आ चुके हैं। अब पहले के ज़माने में जब हमारे बूबू लोग या पूर्वज लोग थे तो इससे हमको बताते थे कि इसकी लकड़ी को छिलके इसके कांटे को निकाल के इसकी लकड़ी से दांत साफ किया जाता था। इसके बीज अगर दांत में दर्द आ रहा था इसके बीज को जहाँ पे दर्द आ रहा वहाँ पे इसको बीज को डाल दिया जाता था और इस बीज के डालने के बाद इसके तुरंत मतलब असर हो जाता था, दांत एकदम साफ हो जाता था। और एकदम देसी उपचार है। और हमारे पहाड़ों में बहुत चीज़ें ऐसी है यार, बहुत चीज़ें मिलती हुई है ऐसी हैं तो ज़्यादा तो लोगों को पता नहीं रहता है। और आजकल तो सब लोग ज़्यादा ही डेवलप हो चुके हैं तो अभी लोग पहाड़ों की ओर वैसे भी लोग कम ही रह रहे हैं और जो रह रहे हैं उनको इसके बारे में पता है नहीं है। और सब आजकल मोबाइल और सब आजकल वही ये इस पे कोई विश्वास करता नहीं आजकल। जो भी जिसको सर दर्द हो गया, बुखार आ गया, जुकाम आ गया तो या दांत में दर्द कुछ सर में दर्द भी हो गया तो सब लोग दुकान में जाते हैं डॉक्टर के पास और दवाई लेके उसका इलाज कर लेते हैं। हमारे पहाड़ में एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब तुम बिना दुकान में जाए हुए बिना डॉक्टर के पास जाए हुए घर में भी उपचार कर सकते हो। हाँ अलग वो अलग बात है कि जो तुम्हें मतलब हैवी मतलब जो बहुत ज़्यादा ही बुखार हो गया, कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गया तो तब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बट छोटा मोटा जो अगर है तो आप पहाड़ में ही रह के उसका इलाज कर सकते हो। अब ये पेड़ के बारे में आपको सब मेरे को लगता है पहाड़ में जो जिन जिन्होंने सुना होगा कि तीमर जिन जिन ने सुना होगा कि तीमर क्या होता है तो उन लोगों को पता होगा कि तीमर का पेड़ किस चीज़ में आता है, किस काम में आता है। बहुत से लोग इसके क्या होता है, इसके दाने सुखाने के बाद इसका
बाहर का छिलका निकाल के इसको खाने में भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, मैं हमने देखा हुआ है कि बहुत इसको खाने में भी यूज किया जाता है। मेन इसका है, अगर तुम्हारा, अगर मैं इसको बोलूँ तो मेन आपका जो दांत के लिए है ना, मैं बोलूँगा एकदम, मतलब भाई एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, रामबाण बोलते हैं ना, जो रामबाण वो वाला इलाज है भाई। कैसा, एक बार आप इसको, मतलब अगर आप इसकी इसकी लकड़ी से अगर छिलके, तुम अगर आप रोज़ सुबह अगर अपने दांत साफ करते हो ना, तो आपको कोलगेट से ब्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत, मतलब इसकी जो वो है ना, बहुत तगड़े इसका वो है। और इसकी जो खुशबू है भाई साहब, मैं बता नहीं सकता क्या खुशबू है इसकी, गजब की खुशबू है। एक पत्ता तोड़ के देखो तो ना, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। मैं जो जिस दाने की बात करी, देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख तीमर का वो दाना है भाई साहब। अगर आप, मतलब आपने, मतलब क्या खुशबू है, मतलब अगर आप पहाड़ में रहे हो ना, मतलब यार आप इसके बारे में बहुत ज़रूर जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, हैं, और ये कितनी लाभदायक है अपने दांतों के लिए। मतलब पहाड़ में कोई भी चीज़ हो ना, मतलब हर चीज़ जो नेचुर, मतलब है नेचुरल, वो बहुत कुछ ना कुछ फ़ायदा देती ही देती है, हैं। मैं ले जा रहा हूँ एक धारे में, मतलब ये धारा, मतलब बहुत पूर्व के ज़मानों का धारा है। यहाँ पे हम जब तो हमारे वहाँ रोड आ गई, जब हम रोड नहीं थी तो हम, जब हम मार्केट से आते थे यही रास्ते से आते थे, तो यहाँ पे हमारा एक बार बैठ के इस पानी को पीने के लिए, यहाँ पे हम एक बार पानी पीते थे यहाँ पर आराम से। भी आप देख सकते हो तो, अभी तो जगह जगह पे हैंडपम्प, घर घर पे नाले आ गए हैं, और अब इस पानी को कोई पूछता नहीं है। फिर भी जो लोग अभी खेतों में आते हैं वो लोग इसका यूज़ करते हैं, पीते हैं। कितना ठंडा पानी है देख सकते आप, नेचुरल पानी जो कि सदा बाहर बहता रहता है। ये नहीं कि आज आ रहा है या कल ख़त्म हो जाए, जितना चाहे उतना यूज कर लो, जितना चाहे उतना इसको तुम बहा सकते हो। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला पानी है। जैसे कि प्लेन्स में पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, पहाड़ में अपनी एक यही एक चीज़ ऐसी है, हवा और पानी जो है मुफ्त में मिलता है। भाई साहब क्या पानी है, गजब। ठंडो रे ठंडो, मेरो जंगल आया पहाड़ के, ये हमारी बकरिया ठंडी, देखो ठंडो तीन, क्या ठंडी है, वाह वाह गजब। अभी एक घर में है छोटा सा, उसको थोड़ा बीमार हो रखा है वो, इसीलिए उसको नहीं लाए हुए हैं। पता नहीं उसको अभी क्या बीमार है, हमेशा सर्दी जुकाम लगा रहता है। ये देखो हमारी बकरियाँ, अभी ये चरने के लिए, इनको चरने के लिए लाए हैं। रात भर तो सोते रहते हैं, अभी धूप लग रही होगी, यहाँ पे छाया होगी और यहाँ पे आगे चरने के लिए। गोरे बकारा पालो लो, गाइस देख सकते हो ये हमारी बकरियाँ हैं। वो गाना था ना, गोरे बकारा पालो लो, कार बारे करो लो, रंगील पहाड़ माँ, जिंदगी पतोला सर तेर दगाड़ माँ। यही काम करना पड़ता है यार भाई अपने पहाड़ में रह के। बकरी बकरी पालो, बैल पालो, बहुत अच्छा आमदनी भी है इसमें। जो लोग घर में कर सकते हैं, मतलब जिनका, मतलब घर में काम कर सकते हैं, उनको सजेशन दे सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा पैसा भी है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। बस एक दो टाइम इनको चारा दे दो बराबर, और बस, और कुछ क्या है, जंगल लेके जाने हैं, घास काट के लाना है इनके लिए। जैसे भैंस के लिए होती, भैंस गाय के लिए होती, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, घर पे ही बांधना पड़ता है उसके लिए घास आस घर में लेके जाने। बकरी को क्या है, खोल दो जंगल एक बार, खुद से चर के आएंगे। हम ये देखो हमारी काली, ये देखो, ये हाय बोल दे एक बार हाय बोल दे, ये देखो देखो कौली, हमारी कौली है ये, कौली, क्या इसका नाम, कौली कौली, हाय बोल दे, ये देखो 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 देखो, अपना अपना एक, अब हर एक का, हर एक चीज़ का अपना अपना एक जरिया होता है प्यार जताने का। अब ये देख कितना अच्छे से वो हाथ को अपने जोरों शोरों से चौरी करने का काम जारी है, आप देख सकते हो। एक बार फिर से रोड काफ़ी ख़राब हो गई थी, और जो डामरीकरण किया था वो बरसात के टाइम में सब निकल चुका था, तो काफ़ी खड्डे वड्डे हो गए थे। तो इस बार फिर से हमारी सरकार की वजह से अभी जो रोड हमारी सिंगल रोड कटी हुई थी, अभी डबल हो रही है।
ये डबल हो रही है, आप देख सकते हो अभी ये इसने कितना ज़्यादा अपना रोड बना लिया अपनी, जितनी इसकी जितना इसने पहले से सरकार ने जितना इसको नपाई की हुई थी, देख सकते हो आप गजब क्या चौड़ाई है। जब काफ़ी ज़ोरों से दो दो JCP काम पे कर रहे हैं, एक खदान कर रहा है तो एक सब पीछे से अपने मलबा सफाई कर रहा है, इतना मलबा इकट्ठा हो रखा है फिलहाल, धीरे धीरे करके से सफाई हो रही है। और जब ये रोड एक बार पूरी से पूरी तरह बन जाएगी तो यहाँ पे गाड़ियों का पास होना बहुत आराम से पास हो सकती है गाड़ियाँ। अब जैसे कि ये सिंगल रोड थी तो गाड़ी अगर ऊपर से नीचे से गाड़ी आ गई, देख रहे हो जो रोड है अभी अभी ये इसके खुदान करके चौड़ाईकरण हो रखी है। अभी ये सिंगल रोड थी, हालांकि इसको जब से ये अप्रूवल हुआ था, इसका जब सर्वेक्षण हुआ था तब ये डबल रोड हुआ था, बट ये सिंगल रोड ही कटी हुई थी। तो जैसे सिंगल रोड कटी हुई, जो हमारे बागेश्वर से सीधे गिरिचना होता है, डायरेक्ट सोमेश्वर निकलती है, तो कुछ गाड़ियाँ जो हैं जो डायरेक्ट बागेश्वर आती हैं, जो बाई ताकोला और बाई गरुड़ जाती हैं, तो वो गाड़ियाँ भी अभी जिसको पता है रोड के बारे में तो गिरिचना वाली, बागेश्वर से गिरिचना वाली रोड हमारी जो रूट है उस रोड से आती है, क्योंकि ये रोड काफ़ी शॉर्ट है। बोलते हैं कि 15-20 किलोमीटर का यहाँ पर फ़र्क है हमारे रोड पे। तो अभी इसमें सिंगल रोड था तो अगर गाड़ियाँ आ रही थी जो ऊपर नीचे आ रही थी तो आपस वो अच्छे से मतलब पास नहीं हो पा रही थी। क्या हो रहा था कि वो रोड की चौड़ीकरण कम होने के कारण से एक गाड़ी को बहुत दूर रुकना पड़ रहा था, दूसरी गाड़ी को दूसरा जहाँ पे जो गए वहाँ पे वो दो लोग क्या बोलते हैं पास ले रहे थे। अगर कोई बड़ी गाड़ी आएगी जैसे कि बस आ गई, वैसे तो बस लगी नहीं है, बारात आ रहा तो आती है बसें और ट्रक वगैरह तो चलती रहती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब वो बड़ी गाड़ियाँ आती थी तो उनको पास नहीं हो पाता था। तो अभी जो सरकार की जो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो रोड थी अभी स्टेट लेवल में आ चुकी है, तो अभी इसका चौड़ीकरण हो रहा है। पहले इसका रोड सफाई होगी, फिर इस अच्छे से इसमें डामरीकरण होगा, फिर मेरे को लगता है कि रोड काफ़ी अच्छी हो जाएगी, फिर जो गाड़ियाँ आने वाले हैं उनको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अभी कुछ गाड़ियाँ लोग आते हैं तो बोलते हैं यार रोड ख़राब है, तो मेन क्या है कि लोग जब ये बारिश का सीज़न होता है तो उस टाइम पे ये नाले वगैरह नहीं बनाते हैं और जिसकी वजह से जो मलबा है वो रोड पे आ जाता है बारिश में, और जो इधर उधर का कचरा है वो रोड पे आ जाता है, जिससे जो डामरीकरण छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं जिससे कि वो डामर डाल रखा है रोड पे, जो डामरीकरण हो रखा है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से खड्डे वड्डे हो जाते हैं। अभी मेरे को लग रहा है रोड चौड़ीकरण होने के बाद इसके साइड से बोल रहे हैं कि एक नाली भी जाएगी, और जिससे जो नाली जाएगी तो मेरे हिसाब से कि रोड बराबर हो जाएगी, फिर जो निकलना है जो इसका जो डामरीकरण जो निकलना है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और देखते हैं, अभी प्रोग्रेस पे तो है अभी रोड, और हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हो जाए, और जल्दी जल्दी जो भी गाड़ी वाले हैं या हर कोई जो भी इस रोड पे चल रहा है उनको आनंद हो और कोई प्रॉब्लम से ना हो, क्योंकि अभी इस गाड़ियों में जाने पर जब खड्डे मड्डे बहुत है तो बोलते हैं लोग गाड़ी बहुत मरम्मत खाती है। जब रोड डबल हो जाएगी और डामरीकरण हो जाएगा मेरे को नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होगी, सब सही हो जाएगा आई थिंक। और काम चालू है और डामरीकरण हो रहा है, देखते हैं कब तक होता है। भाई हम तो साल में एक बार घर आते हैं, देख लेना इस बार आ रखे तो इस बार हो रही है, तो हमने कहा चलो क्यों नहीं देख लेना।